ग्रीन इंडिया खुले में शौच गंदी सोच, खुले में शौच गंदी सोच, स्वच्छ भारत सुंदर भारत। एनएसएस ग्रुप लीडर, इस एनएसएस यूनिट की ग्रुप लीडर, सबसे पहले हमारे कॉलेज के प्रोग्राम ऑफिसर, हमारे प्रिंसिपल, सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम स्वच्छ भारत अभियान और इन सब में अपना एक छोटा सा योगदान, एक हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि हम अपने देश को स्वच्छ बनाएं। अपने देश तक तो हम पहुँच नहीं सकते, एटलीस्ट हम अपने एरिया को स्वच्छ बनाएं। तो इसकी शुरुआत हम इस कैंप के थ्रू, हमें एक मौका मिला है इस कैंप के थ्रू कि हम इसको एक स्टार्ट, एक शुरुआत दे सकें। थैंक यू। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनिश प्राशर, अपने कॉलेज से एनएसएस का ग्रुप लीडर, ये कहना चाहूँगा कि हमें हमारे कॉलेज में एनएसएस कैंप हर साल अरेंज किया जाता है और उसके लिए हमारे प्रोफेसर साहब को, घोरा सर एनएसएस कोऑर्डिनेटर और वाइस प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज प्रोफेसर देवलास खजूरिया जी, इनकी वजह से हमें ये मौका मिलता है कि हम एनएसएस कैंप ऑर्गेनाइज कर सकें और अपने कॉलेज की अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर सकें। और सबसे पहले तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो वीडियो उठाया है सफाई के रिगार्डिंग, इसके लिए हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज कराया। आज का जो हमारा दिन है वो स्वच्छता भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के लिए स्वच्छता अभियान हमारे कॉलेज से चलाया जाएगा, जो हमने कल भी करा था और आज हम पूरे हीरानगर में रैली करेंगे, जिसकी लोगों को जागरूक करने के लिए कि सफाई हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि सफाई एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, बिकॉज बीमारियों से बचना और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस जो हमें सफाई से ही हम बच सकते हैं जिसके। थैंक यू। बस सर ने बताया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया स्वच्छ भारत अभियान, और उसमें हमारे आम खास सभी लोगों का एक दायित्व बनता है कि हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उस अभियान को सक्सेसफुल बनाएं हम। और इस छोटी सी हमारी जो एनएसएस यूनिट की जो रैली है, इसमें हमारे छात्र छात्राएँ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम यही संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि जो हमारा जो अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, उसको कि एक घर घर तक उसको पहुंचाया जाए, उसमें हर आदमी, हर वर्ग का जो आदमी है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो स्वच्छ भारत में सांस लें। वो आज को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया है, उसमें अपना योगदान डालें, जहाँ तक हो सके भारत को हम एक स्वच्छ बना सके और समाज को, ये जो तबके जो समाज में डाउन ट्राडन है उनको भी ये मैसेज है कि ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया होना चाहिए, खुले में शौच जो है और जो और भी बुराइयां हैं हमारे भारतीय समाज के अंदर, उनको दूर करें।